क्लास के अंदर हम लोगों ने मल्टीपल एक्सप्रेशंस को देखा था कि मल्टीपल एक्सप्रेशंस जो है ना वो किस तरीके से हम बना सकते हैं मोंगोडीबी के अंदर और जेसन के अंदर। असल तो इसके अंदर समझ लें कि आपको जेसन बेस एक डेटाबेस है जिसको हम एक्सेस करना सीख रहे हैं और उससे हम डेटा रिट्रीवल को प्रोसेस को देख रहे हैं जो कि आगे चल के हमारे काम आए। हम शुरू से ये कह रहे हैं कि भाई जरूरी नहीं है डेटाबेस आप मोंगोडीबी ही को यूज करें, इसकी वजह से आपको जो है ना पीएचपी करवाई गई है, MySQL करवाई गई है, हमारा जो टास्क है ना वो इस वक्त एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना है और सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए जरूरी नहीं है कि आप जो है इसको यूज करें, आप जो है कोई और डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं आगे चल के हम आपको कवर करवाएंगे। लेकिन इसमें ये जो स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं ये सेम रहेंगे, यानी आपके पास नो सीक्वल के स्टेटमेंट ये सेम रहेंगे। तो और ऑपरेटर हमने लास्ट मिसेस कर लिया आगे चलते हैं। स्लाइस स्लाइस का मतलब ये है कि हमारे पास एक ग्रुप है जो कि हमारे पास आ जाता है, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास टाइटल हमने मैट्रिक्स इसके अंदर सर्च कर लिया, उसके अंदर से आपको सिर्फ तीन रिकॉर्ड जो है ना वो उठाने हैं स्लाइस में से। यानी हम ये इस किस्म की कंडीशन लगा रहे हैं कि पहला जो क्राइटेरिया है वो हमारे पास सर्चिंग का है और दूसरा जो इसके अंदर क्राइटेरिया है उसके अंदर हमने कास्ट करके स्लाइस तीन रिकॉर्ड देना वो हमने भी। इसी तरीके से हमारे पास और एग्जांपल है इसी मैट्रिक्स की, हमने स्लाइस करके हम आल्सो गेट ओनली द लास्ट थ्री आइटम बाय मेकिंग द इंटीजर नेगेटिव, यानी अगर फर्स्ट थ्री आइटम भी उठाने तो मैं पॉजिटिव स्लाइस को लूंगा और अगर हम लास्ट थ्री आइटम्स को उठाने तो हम नेगेटिव स्लाइस लेके यूज कर सकते हैं माइनस थ्री। और इसी तरीके से अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास सेकंड पोजीशन से थर्ड तीन रिकॉर्ड हम उठाएं तो हम ये करेंगे कि इसके अंदर जो है तो अगर मुझे दो रिकॉर्ड उठाने हैं और उसमें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड जैसे हमने इसके अंदर शो कर दिए थ्री, लेकिन उसके अंदर जो पोजीशन है मेरे पास सेकंड है तो ये दो रिकॉर्ड जो है वो आपको शो करेगा। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और एग्जांपल हैं। अब ये तो पॉजिटिव हमने एग्जांपल देखे ना, इसमें तो नेगेटिव अगर हमने एग्जांपल देखना चाहूं तो ये भी कर सकते हैं, यानी माइनस फाइव पोजीशन और उसमें से हमें चार रिकॉर्ड को उठाना है तो लास्ट फाइव आइटम एंड लिमिट द रिजल्ट टू फोर, इसके अंदर हम लास्ट फाइव आइटम को पिक करेंगे और उसमें से चार रिकॉर्ड अगर मुझे पिक करना है। फिर उसके बाद एक और इसमें है कि हम इसके अंदर साइज का ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं और उसके लिए हम साइज को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो सीडीज दैट हैव एग्जैक्टली टू सॉन्ग्स, हमारे पास जो ट्रैक लिस्ट है जो कि इसका समझे सब आइटम है उसमें से अगर मुझे दो आइटम को उठाना है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। आगे चल के ये है कि अगर हमने ये चाह रहा हूँ जैसे हमारे पास बहुत सारे कॉलम हैं इस किस्म के कि उसके अंदर रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं है, ऑथर का जो है ना वो रिकॉर्ड जो है बहुत सारी जगहों पर पड़ा हुआ है, बहुत सारे जगहों पर ये मौजूद है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जिसके अंदर से वो रिकॉर्ड मेरे पास पिक हो जिसके अंदर ऑथर जो है मौजूद है तो हम यहाँ पे इसको दे देंगे ऑथर एग्जिस्ट विजिबल हो, तो ये क्या करेगा कि वो रिकॉर्ड आपको पिक करके लेके आएगा जिसके अंदर ऑथर जो है वो एग्जिस्ट मीनिंग वो नॉट कर रहा। इसी तरीके से अगर आपको वो तमाम रिकॉर्ड्स जो है पिक करने हैं जिसमें ऑथर एक्सेस नहीं करता तो उसके अंदर हमने ये ऑथर एक्सेस फॉल्स, या तो तमाम रिकॉर्ड जो है वो पिक करके शो कर देगा जिसमें ऑथर एक्सेस नहीं करता। अब ये थोड़ी सी एग्जांपल्स हम यहां पर देखेंगे।
फ्लर्ट करके इन चीजों को फाइंड कर रहे हैं। नॉट इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, इनको नॉट इनको इसी तरीके से नॉट का ऑपरेटर है, या इस क्राइटेरिया के अलावा जो चीजें होगी उनको शो कर। नेगेटिव एनी चेक परफॉर्म बाय अ स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स द फॉलोइंग एग्जांपल, रिटर्न ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन योर कलेक्शन एक्सेप्ट फॉर द वन सीन इन द एलिमेंट मैक्स। यानी इस क्राइटेरिया के अंदर हमने जो कुछ लिखेंगे इसके अलावा वो तमाम रिकॉर्ड देना वो शो करेगा। अच्छा, अब इसके अंदर मजीद कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं टाइप डिविडेंड, मल्टीपल एक्सप्रेशन हैं इसको हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये दरअसल वो एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे हैं जो कि नॉर्मली हम यूज करते हैं एसक्यूएल। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि db.media.find releases less than 1995, हम यहाँ पर तो LT यूज करते हैं, तो यानी वो ये कहना चाह रहे हैं इसके अंदर कि आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये चलता नहीं, जब एनवायरमेंट के अंदर सपोर्ट कर रहा है लेकिन हम इसको जब रिएक्ट कर लेके आएंगे या दूसरी जगह पर लेके आएंगे तो वहाँ ये नहीं चलता, तो फिर हम जो बेस्ट सूटेबल एग्जांपल एलटी लेस देन या लेस देन इक्वल अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आएंगे। इसमें भी क्या थे अगर इसके ऊपर आप जाएं डेटा आ रहा है इसमें, पहली स्टेटमेंट हम यहाँ लिखना चाह रहे हैं डेटा है वो हमारा टाइटल, एक तो हमारे पास सेकेंड वन, इसके अंदर हमें इसके अंदर जो है कास्ट पब्लिशर्स कर दे, चला के देखते हैं। इसमें नेस्टेडनेस नहीं आ रही ना,
टाइम है, सॉरी तो मैं कह रहा हूँ अभी आ रहा है रिकॉर्ड। और इसके अंदर से हम कोई स्लाइस उठाना चाह रहे हैं स्लाइस कर देते हैं। तो ये भीम रिकॉर्ड क्या करता है, कलम कम कर देता है साइज। और क्यों नहीं देखते हैं इसकी नेक्स्ट। ये कौन है जिसके अंदर हम माइनस अरे इसकी नेस्टेडनेस की बात कर रहा हूँ, हमारे पास नेस्टेड लूप का रिकॉर्ड है नहीं। एग्जाम्पल है हमारे पास वो एग्जिस्ट की है, इसको देखते हैं। जैसे इस वक्त अगर हम देखें रिकॉर्ड्स, अब इसके अलावा ऑथर जो है ना वो कहाँ एग्जिस्ट करता है कहाँ नहीं करता है इसको। जहां जहां एक्सेस करता था वहां वो उठा के लेके आया। इसी तरीके से अगर मुझे वो उठाना है जहां वो एक्सेस नहीं करता, उसके बाद जो है मैचिंग की हमने बात की थी, टायर पैरिंग बैटरी ट्रैकलेस नॉट क्राइटेरिया उसके उल्टा है। जैसे हमने क्राइटेरिया देख लिया, ये तमाम वो रिकॉर्ड उठा गया कि ये रिकॉर्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं होता। जिससे मैच करेगा उसको उठा के नहीं लाएगा। अरे ये हमने बताया था कि इस तरीके से हम लेस देन की जगह जो है मिस्टेक हम देखें रिलीज है ना
यानी इस क्राइटेरिया के लिहाज से लेस देन वाला कहाँ है? ठीक है जी, तो ये थी हमारी जो सेकंड स्लाइड, थर्ड की तरफ आते हैं। थर्ड नंबर से प्रोग्रामिंग जो है ना वो तरफ आएंगे और प्रोग्रामिंग अंदर किस तरीके से इसमें आप देखे तो इसमें लिखेंगे स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट किस तरीके से राइट किया जाता है। अभी तक हमने स्क्रिप्ट नहीं राइट किया, हमने जस्ट इसके नोसीक्वल की स्टेटमेंट्स को देखा है जिसमें हम डिफरेंट एक्सप्रेशंस वगैरह को हमने अप्लाई किया है, सिंगल एक्सप्रेशंस भी हैं, मल्टीपल एक्सप्रेशंस भी हैं, उनको हमने देखा। उसके बाद हम फंक्शन एंड स्क्रिप्ट्स की बात करेंगे, किस तरीके से मल्टीपल इंसर्ट स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी अगर मुझे एक बल्क डेटा अपने पास इंसर्ट करना है, उसको यूज करना, तो उसको किस तरीके से हम प्रोसेस करना देख सकते हैं, बैच इंसर्ट प्रोसेस किस तरीके से अप्लाई हो, बल्क राइट किस तरीके से होता है, मैप रिड्यूसर का कॉन्सेप्ट जिसको हम देखेंगे किस तरीके से। यहाँ पर हमने एक छोटा सा स्क्रिप्ट बनाया है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एक वेरिएबल मैंने लिख दिया, एंड यहाँ वेरिएबल अगर हमें बनाना हो तो हम टाइटल यूज करते हैं, इसमें मैंने लिखा MongoDB डायरेक्शन। उसके बाद मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ db.books और इंसर्ट इसमें टाइटल में दे दिया उसको ISBN हमने असाइन कर दिया, तो ये रिकॉर्ड आपके पास जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर हमने इसको फाइंड भी कर लिया। इसके अंदर हमने क्या किया है कि जो टाइटल के अंदर वैल्यू थी वो इंसर्ट, उसके अंदर MongoDB NetShell ये वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर हम एक फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन के थ्रू हम कोई वैल्यू जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं या कोई और एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया कि एक फंक्शन मैंने बना दिया क्यूरी बुक बाय ISBN, तो इसमें हम ISBN के थ्रू जो है इसको सर्च करेंगे और उसके अंदर एज अ वेरिएबल जो है ना फंक्शन के अंदर ISBN की वैल्यू पास है, और उसके बाद जो है ना हमने बुक्स के अंदर इसको फाइंड कर लिया कि ISBN की जो वैल्यू है। अब नीचे जो है ना हम उस फंक्शन को यूज करें, तो यहाँ मैंने लिखा क्यूरी बुक्स बाय ISBN और उसके अंदर जो है वो वैल्यू हमने पास कर दी, तो ये इस वैल्यू को जो है ये फाइंड करके यहाँ पर इसको परफॉर्म जो है ना कर दिया। तो मजीद इसकी स्क्रिप्टिंग की हम बात करें, कुछ कमांड स्टेटमेंट्स हैं, शो कलेक्शन है, शो यूजर है, शो रोल्स है, ये हमने एक फंक्शन राइट किया, इसमें लूप को यूज किया है, ऑथर वो फैक्ट्रीज, इसके अंदर हमने एक फंक्शन यूज किया है, इसके अंदर हम लूप चला रहे हैं 0 से लेकर 1000 तक, और बुक्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं जो मोंगो फैक्ट्री है तो हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि हमने लिखा है कि नेम इंसर्ट के लिए नेम के अंदर एक कॉलम MongoDB फैक्ट्री बुक्स और उसके अंदर जो लूप की वैल्यू आ रही है, ये ऊपर एक फंक्शन हमने बना दिया और नीचे जो है ना हम उसको यूज कर रहे हैं। नीचे हमने लिखा ऑथर MongoDB फैक्ट्री, तो ये कॉल कर लेगा उसके लिहाज से। इसी तरीके से भी एक और फंक्शन है जिसके
अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन में बना दिया बल्क का इनिशियलाइज अन ऑर्डर बल्क ऑपरेशन, इनिशियलाइज कर दिया इसमें कोई ऑपरेशन हो सकता है। फिर उसके बाद बल्क डॉट इंसर्ट के स्टेटमेंट में यूज किया उसने मेमोरी फैक्ट्री के उसमें, और उसको हमने यानी वही सेम काम जो पहले हमने किया यहाँ पर बल्क राइट से। फिर उसके बाद मैप प्रोड्यूसर का कॉन्सेप्ट है, पहले इसको जरा परफॉर्म कर हमने क्या किया कि यहाँ पर एक कलेक्शन हमने बनाया बुक्स का, रीड कलेक्शन, कलेक्शन करने हैं अभी से ब्लैंक के पढ़ने कोई रिपोर्ट नहीं है। ओपन शेल किया यहाँ हम एक वेरिएबल बना रहा हूँ और उसके लिहाज से फिर टाइटल और आइज में इंसर्ट कर। ये देखिए पहली स्टेटमेंट जो है वो बना रही है एक वेरिएबल, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं दूसरी स्टेटमेंट से उसको इंसर्ट कर रहे और तीसरी स्टेटमेंट से उसको फाइंड कर रहा। टाइटल यहाँ पर जो है ना वो एक वेरिएबल है, टाइटल एक वेरिएबल है क्योंकि यहां से अपनी वैल्यू को पिक कर गाइस बन सकते हैं। रिकॉर्ड आपके में इंसर्ट हो गया है और ये आप टाइटल मोड अब यहां तक क्लियर है, काफी देर हो गई पीछे मैंने पूछ लिया। यस सर, नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर उसके बाद जो है हमने एक फंक्शन बनाया जो कि फाइंड करेगा उसको, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ भैया आपको ये रिकॉर्ड नजर आ रहा है स्क्रीन इसके अंदर 102 शो कर रहा है, यानी ये फंक्शन बन गया। अब इसके अंदर कोई और दूसरी वैल्यू को दूंगा तो फाइंड नहीं करेगा, यानी हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर हम दे सकते हैं जो कि अभी हमने पढ़ा है और उसके बाद फंक्शन को जो है लाइन्स के लिए लागू कर सकते हैं। ये हमने लूप लगा के इसमें इंसर्शन जो है ना परफॉर्म करना, ये आपको क्या करेगा 1 से लेकर 0 से 1000 टाइम फैक्ट्री को रन करके इंसर्ट कर देगा। रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, आप पहले दोबारा देखें 1000 रिकॉर्ड्स के बाद हम देखें तो
बल्क स्ट्रेट टू नहीं कर दी। इसमें देखिए तो बल्क ऑपरेशन फॉर्म हुआ है, इसके अंदर सासन ऑपरेशंस की वैल्यूज को दिखा रहा है। तो ये हमारे पास समझ लें कि काफी हद तक जो हमारे कोर्स ऑफ माइंड के अंदर मेमोरी भी है उसको हमने कवर कर लिया। अब उसके बाद मजीद चीजें हमारे पास आएंगी node.js, यानी अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है node.js, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि node.js कैसे इंस्टॉल करेंगे, स्क्रिप्टिंग किस तरीके से लिखते हैं, फिर उसके अलावा उसमें हम वेब एप्लीकेशन बनाएंगे सर्वर साइड की, दो साइड है, राइट साइड एक सर्वर साइड, सर्वर साइड एप्लीकेशन उसमें बनाएंगे जो कि जेसन डिलीवर करेगा किसके लिए, क्लाइंट के लिए। इनशाला इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि स्टूडेंट भी इसमें कम है। तो नेक्स्ट क्लास है ना आपकी node.js क्लास मिले और इसकी जो है ना आप प्रैक्टिस जो है ना वो जरूर करें। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछेंगे। हेलो हेलो, हाँ बोले, आवाज आ रही है मुझे? ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, आप लिख के पूछ लें।